सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। एम्स की रिपोर्ट में बताया सुशांत के निधन का कारण। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी पर सीबीआई ने दिया बयान तो सोशल मीडिया यूजर्स का फूटा गुस्सा। जानिए क्या लिखा है रिपोर्ट में। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को आज एक साल पूरा हो गया है। साल भर बाद आज एम्स के मेडिकल बोर्ड की इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में ये कंफर्म किया गया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई है। जी हां, टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई द्वारा गठित एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को 2020 को सुबह लगभग 10:10 में आत्महत्या की है। उन्होंने 9:30 बजे पानी और अनार का जूस पिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने घर के नौकर से ये दोनों चीजें मंगाई थी। जूस और पानी को मुंह से गॉल ब्लैडर तक जाने में कुछ वक्त लगा। इसके अलावा सुशांत के शरीर में कोई चोट का निशान नहीं है। इसके अलावा बॉडी में शराब भी नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के निधन का कारण एस्फिक्सिएशन बताया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर सुशांत ने शराब या सिगरेट पी होती तो एस्फिक्सिया के कारण उनकी मौत का पता लगाना मुश्किल होता। वहीं गर्दन पर जो निशान है वो लटकने के कारण है। रिपोर्टेडली एम्स के मेडिकल बोर्ड के मेंबर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, हमने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। एम्स का मेडिकल बोर्ड मुंबई पहुंचा था और उसने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया ताकि गर्दन के निशान की जांच कर सके। सुधीर गुप्ता के मुताबिक हमारी टीम में 7 डॉक्टर थे। हमारी टीम की 5 से 6 घंटे तक मीटिंग चली। इसमें सभी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि उनकी मौत एस्फिक्सिया के कारण हुई है, जो एक सुसाइड है। वहीं सीबीआई ने मामले पर चुप्पी साधी हुई थी। माना जा रहा था कि सुशांत के निधन की पहली बरसी पर सीबीआई कोई न कोई खुलासा जरूर करेगी, लेकिन एक बार फिर से सीबीआई ने वही पुराना बयान दिया। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी जांच जारी है। केस के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर इस बयान के बाद एक बार फिर से फैंस और परिवार वालों को निराशा ही हाथ लगी। बयान आते ही सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस ने सीबीआई को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि सीबीआई जानबूझकर जांच में देरी कर रही है। डालिए एक नजर गुस्से से तिलमिलाए हुए नेटिजंस के कमेंट्स पर। वेल, आपको बता दे, फैंस ने पहले ही सुशांत के निधन का कारण डिप्रेशन या खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज का अगला कदम क्या होगा। मीनवाइल आपका क्या रिएक्शन है सुशांत के निधन को लेकर आई एम्स की इस रिपोर्ट पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।